Hey guys, क्या हाल चाल? So, as you know, मैं बहुत टाइम से IQ3 से रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो फोन थोड़ा हीट होने लगा है. एंड कुछ ऐसे गेम्स आ गए हैं जो मैथ ग्राफिक्स से थोड़ा लैग भी कर रहा है, जैसे कि वॉजरिंग बेस. फिर ज़्यादा फोन सपोर्ट नहीं करता है, ड्यू होल्स करता है, उस पर भी थोड़ा परफॉर्मेंस एंड ग्राफिक्स के इश्यू है. सो मैंने इसका गेम में वीडियो अपलोड किया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. फ्लाई बॉय, सोलो लेवलिंग, अराइज एंड डेविल मे क्राई टेक ऑफ भी कुछ गेम्स है. सो हियर इज द फोन, आई एम इन द बॉक्स. फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. इट्स अगेन एट IQ, द लेटेस्ट ऑन IQ 12. फोन को मैं थोड़ा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड देयर आर मैनी वीडियोज अबाउट इट. सो मैं यार डीप में नहीं बताऊँगा, मेनली गेमिंग पर फोकस करूँगा. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो हियर इज द बॉक्स, नाउ लेट्स चेक आउट द बॉक्स कंटेंट्स. सबसे ऊपर फोन है, इस पर हम बाद में आएंगे, नेक्स्ट चेक करते हैं. दो कार्ड्स हैं, एक में सेम इजेक्टर टूल है एंड सेकेंड पे BMW मोटर स्पोर्ट व्हीकल का इमेज है, इसको भी साइड में रखते हैं. नेक्स्ट TPU ट्रांसपेरेंट केस है, क्वालिटी तो सही लग रहा है, आई एम होपिंग ये जल्दी डर्टी ना हो. क्विक स्टार्ट गाइड एंड वारंटी कार्ड है. नेक्स्ट 120 वॉट का एक बड़ा सा चार्जिंग अडाप्टर है. लास्टली बोथ साइड USB टाइप सी चार्जिंग केबल है. सो अब आते हैं अपने फ़ोन की तरफ. बैक साइड में आप देख सकते हैं IQ एंड BMW मोटर स्पोर्ट का ब्रांडिंग है एंड यूनिक कैमरा डिज़ाइन विथ 3 कैमरा सेटअप है. लेफ्ट साइड में कोई बटन्स नहीं है. बॉटम पे सिम स्लॉट, चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर है. राइट साइड में वॉल्यूम एंड पावर बटन्स है. टॉप में एक और स्पीकर है एंड एयर ब्लास्टर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशंस. इट कम्स विद स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिप इक्विप्ड विद एड्रीनो 750 GPU. ये इंडिया का फर्स्ट फोन है टू फीचर दिस चिप. 512 GB इंटरनल स्टोरेज एंड 16 GB रैम है. एडिशनली इसमें 16 GB एक्सटेंडेड रैम का भी ऑप्शन है विच विल टेक मेमोरी फ्रॉम द इंटरनल स्टोरेज. सो नाउ इट्स 16+16 GB. 6K वेपर चेंबर, 4-zone कूलिंग सिस्टम है टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग वाइल गेमिंग. जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एंशियन इम्पैक्ट खेल रहा हूँ, सो मेरे लास्ट फोन में ये लैग होता था एंड ग्राफिक्स भी इतने अच्छे नहीं थे, बट इन दिस फोन इट्स वर्किंग नाइसली एंड रनिंग एट 60 FPS, दैट टू इन मैक्स ग्राफिक्स. और भी कुछ नए गेम्स हैं जो मैंने ट्राई किए हैं, मैंने गेम प्लेस भी निकाले हैं, अगर आपको देखना हो तो आप चैनल में जाके चेक कर सकते हैं. सो इट्स ए प्रॉपर हाई एंड गेमिंग फोन. L22 बेंचमार्क रैंकिंग पे भी नंबर 3 स्पॉट पे है. सो परफॉर्मेंस के हिसाब से दिस फोन इज अ मस्ट बाय. जस्ट लाइक माई लास्ट फोन, इसमें भी अल्ट्रा गेम मोड है विच हैज लॉट्स ऑफ फंक्शंस लाइक क्लोजिंग बैकग्राउंड एप्स, ब्लॉकिंग नोटिफिकेशंस एंड मैनी मोर. इट ऑल्सो हैज अ यूनिक फंक्शन कॉल्ड एज फ्रेम रेट प्रायोरिटी विच विल रिड्यूस द रेजोल्यूशन ऑफ द गेम टू इंश्योर स्मूथ गेम प्ले. सो मैंने ये ट्राई किया है, आई डोंट नो ये कितना रेजोल्यूशन रिड्यूस करता है बिकॉज मुझे गेम में इतना अंतर नहीं लगा, बट ऑफकोर्स गेम्स थोड़े स्मूथ हो गए एंड बैटरी कंजम्पशन भी कम हुआ है. इसके कॉन्ट्राडिक्टरी एक और फंक्शन है गेम सुपर रेजोल्यूशन विच विल इम्प्रूव गेम डेफिनेशन एंड प्रोवाइड यू एन अल्ट्रा क्लियर विजुअल एक्सपीरियंस. सो दैट वॉज द फोन. ये मैंने अराउंड 50K rupees में अमेजोन से लिया था. अगर आपको लेना है या फ़ोन के बारे में और डिटेल्स जानने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आके चेक कर सकते हैं. अब आते हैं अपने अनाउंसमेंट पर. सो एज यू नो मैं सारी रिकॉर्डिंग्स खुद से करता हूँ, टॉप गेम्स का लिस्ट हो या मैक्स ग्राफिक गेम प्ले. सो मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं जिसमें से मैं कुछ चैनल में अपलोड कर देता हूँ एंड बाकी बच जाते हैं. सो मैंने एक सेकेंड चैनल बनाया था जिसमें मैं रिमेनिंग रिकॉर्डिंग्स डालता हूँ. सो बेसिकली मैंने ये बैकअप के लिए बनाया था बिकॉज कभी भी रिकॉर्डिंग्स काम आ सकती है. कुछ टाइम से इस पर भी व्यूज़ आने लगे हैं एंड मैंने रेगुलरली अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया है. सो सब्सक्राइब कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वीडियोज़ आते रहेंगे. एंड मेरे ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल. वी आर क्लोज टू 7K सब्सक्राइबर्स. ट्विटर एंड इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर लेना फॉर मोर चैनल अपडेट्स. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में. टिल देन, बाय.